हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल दो दिवसीय नाहन दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गंभीरता से लेने के निर्देश भी दिए, ताकि आम जनता को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके। पहाड़ी राज्य है और मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे का उपयोग यहाँ सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यार जो रेशियो होता है 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा, 10% स्टेट गवर्नमेंट के पैसे में, तो राज्य सरकार की योजनाओं का और केंद्र सरकार की योजनाओं का, दोनों की योजनाओं को सभी विभागों के लोगों से, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क संपर्क मार्ग की हो, चाहे टीबी उन्मूलन का हो, चाहे नशे से के मुक्ति का वो हो, चाहे इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, सबकी हमने उस पर चर्चा किया है, जिसमें प्राकृतिक खेती भी आ गई है, हॉर्टिकल्चर का भी आ गया है। वहीं राज्यपाल ने कहा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में नशे का प्रचलन तेजी के साथ बढ़ रहा है, जो कि चिंताजनक है और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हिमाचल इस समय यूथ से लेकर के और थोड़ा ऊपर तक के लिए नशे में अपने को लिप्त करता चला जा रहा है। मैं आपका भी सहयोग चाहूंगा कि उन लोगों को प्रेरित करें कि वो नशा मुक्त हो और हिमाचल देवभूमि ही बना रहे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है और यहाँ मुख्य रूप से केंद्र सरकार के पैसों का इस्तेमाल होता है, इसलिए बैठक में केंद्रीय योजनाओं पर मुख्य रूप से चर्चा भी की गई। दरअसल प्राकृतिक खेती के अंदर हिमाचल प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है। वही उम्मीद ये भी है कि आने वाले वक्त में देश भर के लिए प्राकृतिक खेती में हिमाचल मॉडल के रूप में काम करेगा। सूर्य समाचार के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।